नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गस अभी के टाइम ब्राइटकॉम के दोस्तों पिछले कुछ जो रिकॉर्ड थे वो आज दोस्तों मैंने कुछ स्पेशली खंगाले, और दोस्तों जो कंपनी का दोस्तों जो बर्बाद होने का जो रीज़न आज दोस्तों जो सामने निकल के आया है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों चौंका देने होने वाला है। तो दोस्तों टोटल जो जानकारी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस जानकारी को देखने के बाद शायद ही दोस्तों आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि दोस्तों आज जो कुछ डेटा यहां पे नजर आया है तो वो दोस्तों काफी ज्यादा चौंका देने वाला होने वाला है। तो अभी के लिए दोस्तों जो पुराना है, जो दोस्तों कुछ अपडेट जो मेरे को आज जो देखने को मिली, 10 तरीकों से ब्राइटकॉम ने दोस्तों शेयरों के तरहेजी आउंटेन में निवेशकों की आंखों पर बांध दी पट्टी। अब दोस्तों किस प्रकार से दोस्तों जो कंपनी थी वो लगातार दोस्तों फर्जी तरीके से दोस्तों कंपनी का जो लगातार जो पैसों का जो आवंटन था वो यहां पे कैसे कर रही थी, तो टोटल जानकारी देखे जाए तो इसमें सबसे पहले बाजार नियमा के में पाया कि कंपनी ने न केवल लेखांकन धोखाधड़ी की है बल्कि फर्जी बैंक खाता विवरण भी यहां पे बनाया है। दोस्तों ये रिपोर्ट निकल के आई कि 23 अगस्त 2023 को, तो उसमें दोस्तों कुछ चौंका देने वाले जो खुलासे थे वो भी यहां पे देखने को नजर आए थे। कुछ एक्सपर्ट इनके मुताबिक कि शायद दोस्तों पहली बार बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति नियम यानी कि सेबी ने एक इकाई के पीछे दो बार देख गया है, या इकाई ब्राइटकॉम ग्रुप है। दोस्तों सेबी ने 22 अगस्त को एक आदेश में कहा था कि यह हेरफेर के पैमाने और गंभीरता को देखते हुए ये किया गया। तो दोस्तों 10 तरीके क्या अलग अलग होने वाले हैं, तो उनमें सबसे पहले अगर देखा तो सबसे नवीनतम आदेश में सेबी ने बताया कि कैसे बीजेएल ने उन संस्थाओं से तरहेजी मुद्दे के माध्यम से धन जुटाया अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जिसमें उससे जुड़े हुए थे, या बताया गया कि यह कैसे हुआ। तो दोस्तों नंबर वन जो देखने को मिल रहा है कि वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 22 के दौरान बीजेएल ने दोस्तों 4 बार तरहेजी आधार पर वारंट शेयर जारी किए थे जिसमें कुल 82 आवंटियों से दोस्तों 867.78 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटाए गए थे। तो ये सबसे मोटा जो नेगेटिव पॉइंट है वो देखने को मिला है। 22 संस्थाओं के लिए दोस्तों जिन्हें 245.24 करोड़ रुपए में 25.76 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए गए थे। कंपनी का केवल दोस्तों 52.51 करोड़ रुपए मिले थे। शेष दोस्तों 192.73 करोड़ रुपए की राशि या तो कंपनी को प्राप्त नहीं हुई या सहायक कंपनियां और नाली से जुड़े लेन देन के कई स्तरों के माध्यम से उन्हें संस्थाओं को वापस भेज दी गई है। तो दूसरा सबसे मोटा जो दोस्तों जो गफला कंपनी के अंदर देखने को नजर आ रहा है। अब तीसरा जो देखने को मिल रहा है कि इन 22 संस्थाओं में से गैर प्रवर्तक संस्थाएं थी, 4 को बाद में दोस्तों प्रवर्तक संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ये आराधना कसोल सेल्स LLP, सरिता कसोल सेल्स LLP, कल्पना कमो सेल्स LLP और उसके बाद अगर देखा जाए तो शालिनी सेल्स LLP। ये दोस्तों वो कंपनियां थी जिनको 4 भागों में बाद में जाके यहाँ पे वर्गीकृत किया गया था। अगला जो स्टेप निकल के आया था, चौथा जो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण डेटा कि मार्च 2022 में कंपनी के प्रमोटर्स और CMD सुरेश कुमार रेड्डी को इन 4 LLP में भागीदार के रूप में शामिल किया गया था। परिणाम स्वरूप इन 4 LLP को प्रमोटर और प्रमोटर समूह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो गफला था वो लंबे वक्त से देखने को नजर आया था, और इसी की वजह से दोस्तों जो लगातार दोस्तों जो मैनेजमेंट था वो लंबे वक्त से जो कार्य नहीं कर पाने में जो सक्षम था, तो वो इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों जो है यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई भी मैनेजमेंट दोस्तों कार्य नहीं करना चाह रहा था। अब अगला जो निकल के आता है कि दोस्तों जो है इन LLPओं को दोस्तों अगर देखा जाए तो 14.5 करोड़ आवंटित किए गए जो वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2012 के दौरान तरहेजी आधार पर आवंटित कुल शेयरों का लगभग 30% है। कुल अगर यहां पे देखा जाए तो 111.65 करोड़ रुपए में से कंपनी का केवल 1.41 करोड़ रुपए मिले। अब सेबी ने इन LLP के साथ सभी लेनदेन के लिए BGL से दोस्तों रसीदें मांगी और स्वतंत्र रूप से बैंकों से भी पूछा। इसमें कई विसंगतियां पाई गई जो कंपनी जो सेबी को दोस्तों कुछ ना कुछ जो बड़ी जो है संदिग्ध जो गतिविधियां थी वो इस चीज में लिप्त पाई गई, जो यहाँ पे देखने को मिला कि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी द्वारा की गई रसीदों के संकेत से मिलता है कि उन्हें सरिता कमोसेल से दोस्तों 38.5 करोड़ रुपए मिले। हालांकि बैंक खातों के विवरण से पता चला कि कंपनी को दोस्तों सरिता से केवल 4.10 करोड़ रुपए मिले। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट बना। और उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों टोटल जो डेटा यहाँ पे जो जारी हुआ है, तो इस प्रकार दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप को जो पैसा था
वो अलग अलग माध्यम से तो देखने को मिला है, अलग अलग माध्यम से कंपनी का जो पैसा था वो कहीं ना कहीं बंटवारा होता हुआ देखने को नजर आया। क्योंकि दोस्तों पैसा तो कंपनी के पास से टोटल देखने को नजर आया था कि कंपनी ने दोस्तों जो शेयर जो आवंटन किए थे तो वो इस लेवल पे किए। अब यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों आवंटन तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो जो अपनी जो दलाली की जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे धीरे धीरे दोस्तों प्रसाद की तरह बढ़ती हुई देखने को नजर आई। और लगातार देखा जाए तो दोस्तों कुछ इस प्रकार भागों में दोस्तों कंपनी का जो पैसा था वो बढ़ता हुआ नजर आया और दोस्तों जो सेल्स शेयर होल्डर्स को दोस्तों कुछ इस तरीके से गुमराह किया गया। इसके अलावा जो सातवां जो डेटा देखने को मिलता है कि इसके अलावा सेबी की जांच में प्रथम दृष्टया जो पता चला कि सरिता को बीजीएल से कुल 4.7 करोड़ रुपए मिले, जो बीजीएल के सहायक कंपनियों से जुड़े घुमावदार लेन देन के माध्यम से सरिता तक पहुंचे। कल्पना कमो सेल्स के मामले में ऐसा भी किया गया था। अब प्रवर्तक संस्थाओं के रूप में अगर पुनः वर्गीकृत होने के बावजूद इन चार एलएलपी के द्वारा रखे गए शेयरों की लॉकिन अवधि 3 साल की समाप्ति से पहले ही खाली हो गई और नियमों के अनुसार दोस्तों प्रमोटर्स या प्रमोटर समूह संस्थाओं के तरीज पर ही आधार पर आवंटित शेयर 3 साल के लॉक इन अवधि के अधीन है और दूसरों को आवंटित शेयर 1 साल के लॉक इन अवधि के लिए होते हैं। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं जो डेटा था वो लंबे वक्त से नेगेटिव मिल रहा था, कहीं ना कहीं सेबी को दोस्तों इस कंपनी के पहले से ही अगर देखा जाए तो नजर बनी हुई है। अब सेबी का जो कहना था कि प्रथम दृष्टया ऐसी प्रतीत होता है कि सुरेश कुमार रेड्डी ने ICDR विनियमों के तहत दोस्तों निर्धारित 3 साल के लॉक इन को दोस्तों बाईपास करने के लिए एक योजना तैयार की। उपयुक्त पद्धति के माध्यम से प्रमोटर समूह की शेयरधारिता 31 दिसंबर 2021 तक 4.12% से बढ़कर अगर देखी जाए तो 31 मार्च 2022 तक दोस्तों लगभग 18.5% हो गई। इसी तरह सेबी ने दोस्तों वरुण धवानी, किशन प्रकाश, पूना भुवनेश्वरी सहित कई आवंटियों के साथ दोस्तों जटिल लेन देन का खुलासा किया और प्रमुख निवेशक शंकर शर्मा की तरहीज आवंटन के मामले में ब्राइटकॉम ग्रुप ने दावा किया कि उसे कुल 56 करोड़ से अधिक रुपये दोस्तों प्राप्त, जिसमें बैंक विवरण में केवल 39.98 करोड़ रुपए दिखाते हैं, जिसमें दोस्तों 14.19 करोड़ रुपए भी शामिल हैं जो सत्यापित नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों इसके बाद सेबी ने शर्मा और 22 अन्य संस्थाओं के ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर बेचने से रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का जो डेटा था, जो संदिग्ध गतिविधियों से जो लिप्त था, वो लंबे वक्त से ही देखने को मिल रहा था और इन्हीं कारणों की वजह से दोस्तों जो लंबे वक्त से अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट दोस्तों इस कंपनी के अंदर कार्य करने में सक्षम नजर नहीं आ रहा था। और इसीलिए दोस्तों जो लास्ट टाइम जो कंपनी की जो डायरेक्टर जो यहाँ पे जो सीईओ जो भी कुछ थी, जो मिस मेघना मंसूरी जो थी, तो उन्होंने दोस्तों इसी वजह से बताया था कि कंपनी के लिए कार्य करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपनी के कुछ जो आंतरिक जो गतिविधियाँ हैं वो दोस्तों काम करने के लिए पॉजिटिव नहीं है, सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो चीज़ एक सही में देखने को नजर आई थी और इसी की वजह से दोस्तों कंपनी में लगातार जो मैनेजमेंट है वो दोस्तों ज़्यादा वक्त के लिए सक्सेस तरीके से काम नहीं कर पाया। तो अभी के टाइम दोस्तों कहीं ना कहीं संदिग्ध जो गतिविधियां हैं वो कंपनी के अंदर एक से अधिक देखने को मिल रही है। इसी वजह से दोस्तों एनएससी ने दोस्तों कंपनी को यहाँ पे रिमूव कर दिया है अपने इंडेक्स से। बीएससी भी दोस्तों ऑलरेडी पहले ही कर चुका है और अभी के टाइम अगर देखा जाए तो कंपनी का जो डेटा है वो भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं लंबे वक्त से दोस्तों इस चीज़ का जो गतिविधियों का जो हिस्सा है वो लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है। और जो भी डेटा मैंने दोस्तों आप लोग को शेयर किया है वो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट की तरह से आप लोग को शेयर किया है। फिलहाल आपकी नजर में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।